कॉमेडियन कपिल शर्मा को मिल गई नई फिल्म 9 साल पुरानी मूवी के सीक्वल पर लगी मुहर। कपिल शर्मा ने साल 2015 में आई अब्बास मस्तान की फिल्म किस किस को प्यार करूं से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था। ओरिजिनल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ की कमाई की थी। अब 9 साल बाद खबर आ रही है कि एक्टर प्रोड्यूसर रतन जैन और अब्बास मस्तान के साथ फिल्म का दूसरा पार्ट लेकर आने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पर बातचीत चल रही है और कपिल कॉमिक स्पेस में अपनी वापसी के लिए काफी एक्साइटेड हैं। एक सोर्स ने बताया कि कपिल ने कई बाकी जॉनर एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन उन्हें कॉमेडी सबसे ज्यादा पसंद आई। स्क्रिप्ट पर बात बन गई है और इस साल के एंड में शूटिंग शुरू हो सकती है। किस किस को प्यार करूं 2 को अनुकल्प गोस्वामी डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने पार्ट 1 लिखने में काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। उन्हीं ने इस फिल्म की भी स्क्रिप्ट लिखी है। अब्बास मस्तान फिल्म की क्रिएटिव साइड संभालेंगे, रतन जैन इसके प्रोड्यूसर होंगे। पार्ट की तरह ही कई एक्ट्रेसेस इसका हिस्सा होंगी। कपिल शर्मा ने टीवी पर अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली है और अब वो बड़े पर्दे पर भी छा जाने के लिए तैयार हैं। फिल्म के पहले पार्ट में कपिल शर्मा के साथ अरबाज खान, एलिया राम, सिमरन कौर मुंडी और वरुण शर्मा जैसे कलाकार नजर आए थे। ये फिल्म अभी अमेजोन प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर मौजूद है। एक्टर इससे पहले करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन के साथ फिल्म क्रू में नजर आए थे और इसके अलावा वो फिरंगी और इट्स माई लाइफ जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं।